नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी बड़ी अपडेट है कि दोस्तों सीएससी ने जो है गांव में वैक्सीनेशन करने के लिए भी सरकार के साथ में हामी भर दी है। और इसके बाद जो है, अगर ये सरकार स्वीकार कर लेती इस चीज़ को, तो लगभग 1 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ इनका जो डाटा एंट्री का वर्क है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सीएससी के माध्यम से किया जाएगा। तो क्या अपडेट है, क्या ऑफिशियल प्रूफ है इसके बारे में, और क्या क्या काम वीएलई को करना रहेगा, किस तरीके से करना रहेगा, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों पर चैनल बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिलता रहे आपके ऐसे नए नए वीडियोज लाने का। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी ट्विटर पर भी त्यागी सर ने ट्वीट करके कई बार इस चीज़ के लिए बोला है कि जितने भी सीएससी वीएलई हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से या न्यूज़लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि 21 मई को जो कोविड-19 का रजिस्ट्रेशन ड्राइव चल रहा है, उसके भीतर 20-20 रजिस्ट्रेशन सभी को करने हैं। और इसके साथ में जो वीएलई सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएससी की, उनको भी वैक्सीनेशन वैन के स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। और इसी के साथ में अभी अभी जो खबर निकल के आ रही है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर अकाउंट देखोगे तो लिखा हुआ है गाँव में वैक्सीनेशन तक के लिए भी तैयार है सीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके बाद लिखा हुआ है वो चीज़ मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इसके बाद सीएससी को क्या क्या और जिम्मेदारी मिलने वाली है, वीएलई को क्या क्या और काम करना रहेगा अगर इस तरीके से ये काम होता है वैक्सीनेशन का सीएससी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, ग्रामीण इलाके में कोरोना की जांच, इलाज और वैक्सीनेशन सरकार के लिए चुनौती साबित हो रही है, लेकिन आईटी व इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से देश भर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जाँच, इलाज और वैक्सीनेशन को सफल बनाया जा सकता है। इसके लिए सीएससी को सरकार से फंड की दरकार है। देश भर में लगभग 4 लाख सीएससी हैं और इनमें से 2.5 लाख सीएससी ग्रामीण इलाके में है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कोरोना वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, चाहे इसकी जांच हो कोविड की या फिर और भी जो चीज़ें हैं, इसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि फ्री में बहुत ज़्यादा दिन तक वीएलई काम नहीं कर पाएंगे, ये सीएससी को भी पता है। तो यहाँ पे सीएससी सरकार से फंड की दरकार कर रही है, तो अगर उसे कुछ फंड दिया जाता है तो वो उसको और अच्छे तरीके से कर सकती है। ठीक है, नीचे देखो लिखा हुआ है, सीएससी पर टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों के इलाज की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। वहीं पिछले 15 दिनों से ग्रामीण सीएससी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सीएससी के प्रबंधक निदेशक दिनेश त्यागी ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन के लिए सीएससी के माध्यम से 3.10 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, यानी कि 3 लाख 10 हज़ार रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और हम इस संख्या को आराम से 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्यागी सर का कहना है, लेकिन सरकार को इस काम के लिए गाँव में सीएससी चलाने वाले विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर वीएलई को कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब अभी जो सीएससी वीएलई फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहा है कोरोना वैक्सीन का, अब अगर जो है सीएससी चाहती है कि वो और तेज़ी से हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर किया जाए, तो वीएलई को अगर वो सीएससी की तरफ से कुछ इंसेंटिव, कुछ कमीशन दिया जाता है, तो आराम से 1 करोड़ से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सीएससी से जो कोरोना वैक्सीन के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे वीएलई को घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वीएलई के साथ ही वैक्सीनेशन लगाने वालों को डाटा एंट्री कर सकता है, यानी कि जो वैक्सीन लग जाएगी लोगों को, उसकी डाटा एंट्री जो करनी होती है वो भी सीएससी कर सकते हैं, वीएलई कर सकते हैं। त्यागी ने बताया कि ग्रामीण इलाके में मरीजों के लिए इलाज के लिए पहले से सीएससी के देश के 200 एलोपैथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, वहीं 80 होम्योपैथ डॉक्टर तो कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सीएससी से जुड़े हुए हैं। रोजाना 1 लाख लोग इन डॉक्टरों से डिजिटल तरीके से संपर्क करते हैं और टेलीमेडिसिन की मदद से सीएससी मरीजों की दवा भी मंगवा देता है। सीएससी इन दिनों झारखंड में कंप्यूटर से लैस वैन से एंटीजन जांच भी करवा रहा है, यानी कि वैन जो मैंने आपको बताई थी कि वैक्सीनेशन के लिए वैन्स जो सीएससी की तरफ से चल रही हैं, उनको भी कर रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें एंटीजन जांच की किट दिए जाते हैं और वह वैन गांव-गांव में जाकर लोगों की जाँच करती है और हाथों हाथ डाटा भी फीड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो कोरोना कोविड की टेस्ट जो टेस्टिंग के लिए वैन चल रही हैं, उसमें सरकार की तरफ से कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं और उसके माध्यम से फिर तुरंत ही जांच करके उसका जो भी डेटा होता है वो भी ऑनलाइन कर दिया जाता है, ताकि सरकार को भी पता चल सके कहाँ पे कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी ने ट्वीट किया है, इसका बहुत ही उम्मीद कर सकते हो अगर आप एक सीएससी वीएलई हो। आप सभी को पता है मंत्री जी का काफ़ी सपोर्ट रहा है हम सीएससी वीएलई के साथ में, तो अगर ऐसा हो जाता है तो अभी हम लोग जो ये फ्री में कोविड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 20-20, तो इसमें हमें अगर थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, वीएलई को भी कुछ खर्चा पानी निकलेगा अगर आसपास के गाँव में जाएंगे, और ये कुल मिलाकर वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। तो ये उम्मीद के साथ में
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों में जरूर पूछेगा। अगर आपका कुछ और सवाल है, कुछ और सुझाव है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।